बहुत सारे लोगों का खास करके पंजाबियों का यह सपना होंदा है कि वह होर किसी वधिया देश के सिटीजन बन ते उस देश दे विच ही वधिया तरीके नाल सैटल होके अपना घर बार बनाउण ते उत्थे वधिया कारोबार चलाउण। पर किसी भी देश की सिटीजन लैनी जां आपां कहीए नागरिकता लैनी बहुत ज्यादा औखा काम होंदा है, इस दे विच कई साल लग जाते हैं। अज की इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं 10 अजिहे ही देशों बारे दसूंगा जिहड़े तुहानूं बिना किसी भज नड़ तों सीधी सिटीजनशिप दे देणगे, पर उस दे बदले उह तुहाडे तों कुछ पैसे लैणगे। इह देश तुहाडे तों पैसे लैके तुहानूं उत्थों दा गोल्डन वीजा देणगे। इन्हां 10 देशों दे विच कनेडा भी आउंदा है, सो वीडियो नूं लास्ट तक जरूर देखना। सो जुड़े रहो मेरे नाल, मैं तुहाडा होस्ट जसप्रीत सिंह, तुसीं देख रहे हो चोर टीवी। नंबर 10 के उपर नाम आता है लातविया का। यह यूरोप का देश अपनी अमीरी के करके काफी मशहूर है। इस देश की आबादी भावें थोड़ी है पर इतों के लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। तुम भी इस अमीर देश के सिटीजन बन सकते हो, वह भी बिना किसी स्ट्रगल किए। इस देश की सिटीजनशिप लैण के लिए तुहानू इतने इनवैसट करने पैणगे 2.5 लाख यूरो। इन्ने पैसे इनवैसट करने तो 5 साल बाद डायरैक्ट इतों की PR मिल जाएगी। फिर उस तो कुछ टाइम बाद ही तुहानू इतों की सिटीजनशिप भी दे दी जाएगी। जेकर इंडिया के हिसाब के नाल देखा जाए तो इतने सिटीजनशिप लैण के लिए 2.14 करोड़ रुपए खर्च करने पैणगे। जो तुम लातविया के सिटीजन बन जाओगे तो तुहानू लातविया का पासपोर्ट मिल जाएगा। लातविया का पासपोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, तुम इस पासपोर्ट के नाल तकरीबन पूरी दुनिया ही घूम सकते हो बिना वीजा तो। नंबर 9 के उपर देश आता है जी माल्टा। यह भी यूरोप का एक बहुत सोहना देश है। यूरोप के यह देश माल्टा की एक समय से सिटीजन लैनी काफी ज्यादा औखी होंगी सी, पर हुण तुम इतों के गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट स्टॉक के इनवैसट करके इतों की सिटीजनशिप लै सकते हो। खर्च करने पैणगे 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर। एक यूरोपियन देश है पर यह ज्यादातर अपना लैण देण अमेरिकन डॉलर दे विच ही करता है। जेकर इंडिया के हिसाब दे नाल देखिए तां तुहानू इत्थों दी नागरिकता 1.90 करोड़ रुपए दे विच मिलेगी। नंबर 8 दे उपर जिहड़ा देश आउंदा है वह भी एक यूरोप का देश है, पुर्तगाल। पुर्तगाल देश यूरोप दे विच अपना एक खास रुतबा रखता है। जेकर आपां इस देश दे वैदर जानी कि मौसम की गल करिए तां सारे यूरोप के मुकाबले इत्थों का वैदर बहुत ज्यादा वधिया है। फ्रांस, नार्वे, जर्मन, आइसलैंड भावें देश इस तों तरक्की काफी ज्यादा अगे हैं, पर इन सारे देशों का मौसम सारा साल काफी ज्यादा ठंडा रहता है। अज के दिन जेकर तुसी पुर्तगाल की सिटीजनशिप लेनी है तो उस दे लई तुहानू 3 लाख यूरो इनवैसट करने पैणगे रियल एस्टेट दे विच। जिवें ही तुसी इन्ने पैसे इत्थे इनवैसट करते हो यह देश तुहानू नाल ही गोल्डन वीजा दे दिंदा है, उस तो बाद PR ते उस तो बाद फिर तुहानू सिटीजनशिप मिल जाएगी। सेनेगल की कंट्री होने करके यह देश का पासपोर्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। इस पासपोर्ट के नाल तुसी तकरीबन दुनिया के सारे ही देशों के विच बिना वीजा तो घूम सकते हो, चाहे फिर अमेरिका हो आस्ट्रेलिया हो। इंडिया के हिसाब के नाल देखा जाए तो तुम पुर्तगाल के नागरिक बन सकते हो 2.56 करोड़ रुपए देके। नंबर 7 के उपर आता है जी ग्रीस। यह भी एक यूरोप का देश है, पुर्तगाल की तरह इतों का मौसम भी सारा साल काफी वधिया रहा है। ग्रीस के पिछले कुछ समय तो इकोनमी क्राइस आ गए ने, जिसके कारण हुण तुसी इतों का आसानी के नाल गोल्डन वीजा ले सकते हो। पर इस तो पहला ग्रीस की नागरिकता लैण के लिए 8 से 9 करोड़ रुपए लगते सन, पर हुण तुसी ग्रीस की नागरिकता ले सकते हो 2.5 लाख यूरो के विच, जिहड़े कि इंडियन करंसी के हिसाब के 2.14 करोड़ बनते हैं। इस देश का पासपोर्ट भी बाकी यूरोपियन देशों की तरह काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। नंबर 6 के उपर आता है स्वीटरलैंड। यह देश भी जन्नत है, खासकर एशिया वाले लोगों के लिए। तकरीबन हर एक इंडियन का सुपना ही होता है कि वह एक दिन स्वीटरलैंड के विजिट करे, पर जेकर तुम स्वीटरलैंड की सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो इतों की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा अलग ने। इस देश की सिटीजनशिप लैण के लिए तुहानू करोड़ों रुपए नहीं खर्च करने पैंदे। तुम इस देश के फ्री के इतों के नागरिक बन सकते हो। इतों की गवर्नमेंट तुहाडे तो किसी तरह का पैसा नहीं लवेगी तुहानू सिटीजनशिप देने लई। बस इतों की गवर्नमेंट नूं तुसी ए प्रूफ देना है कि तुसी 1.5 लाख स्विस करंसी हर साल इतने टैक्स भरते हो, जिहड़ा कि इंडियन करंसी दे विच 1.22 करोड़ बनता है। बहुत सारे अमीर भी इंडिया दे विच हर साल इन्ना टैक्स भरते हैं। इतने तुहानू नाल ही PR मिल जाएगी, तो टैक्स के पेपर दिखा के तुसी 10 साल बाद इतों के सिटीजन बन जाओगे। इस लिस्ट के नंबर 5 के नाम आता है सिंगापुर का। पैसा इनवैसट करने के लिए नवा बिजनेस चलाने के लिए सिंगापुर अज के दिन एक टॉप का देश मनिया जाता है। सिंगापुर की गिनती अज दुनिया के कुछ अमीर देशों के होंगी है। सिंगापुर की नागरिकता लैण के लिए अज के दिन तुहानू देने पैणगे 2.5 मिलियन US डॉलर, जिहड़े कि इंडिया के बनते हैं 13.97 करोड़ रुपए। इस लिस्ट के नंबर 4 से जिहड़ा देश है उसका नाम है कनेडा। नॉर्थ अमेरिका का यह देश अज के दिन काफी ज्यादा स्कीम चला रहा है। इन्होंने स्कीमों के तहत तुम कनेडा की नागरिकता हासिल कर सकते हो। इतों की एक स्कीम यह भी है कि जेकर तुम कनेडा के 1.2 कनेडियन डॉलर इनवैसट करते हो, चाहे फिर तुम यह
पैसा बॉन्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 183 ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਪੇਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੇ ਸਪੇਨ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਵਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪੀਆਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਾਨਕਿ ਏਜ ਲਿਮਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 66 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਜੀ 10 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ Facebook ਦੇ ਪੇਜ ਜੋ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ